है बजट से जुड़ी, और वो ये है कि बजट में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेने पर अतिरिक्त टैक्स में राहत आ सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हमारे सहयोगी अनुराग शाह, जो इस सेक्टर को बखूबी कवर भी करते हैं। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत, खुशखबरी टैक्स पेयर के लिए, क्या है खबर आपके पास? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर फोकस में रहेगा और कई सारे नए जो ऐलान हैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं। और हमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट के अंदर एक बड़ा ऐलान हो सकता है, वो एडिशनल इंसेंटिव देने का, इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा। सरकार ऐलान कर सकती है कि एक स्पेशल सेक्शन, एक स्पेशल डिडक्शन तमाम तरह के जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, और ये जो डिडक्शन होगा ये मौजूदा ATC जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दिया जाता है और जो ATD हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया जाता है उसके अतिरिक्त होगा। क्योंकि सरकार का जो मकसद है, IRDA का जो मकसद है इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना, तो उस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, तो वो ये डेडिकेटेड इंश्योरेंस सेक्शन के जरिए किया जा सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो ATC के अंतर्गत डिडक्शन दिया जाता है, तो उसमें और भी कई सारी मद शामिल है, जिसमें PPF, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ELSS की ELSS म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए भी ATC के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो वहाँ पे लिमिट जो है वो बढ़ाने की मांग कई वर्षों से कंपनियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो डिडक्शन दिया जाता है उसकी जो नॉर्मल लिमिट है 25,000 की है, तो एडिशनल जो इसमें सरकार अगर एडिशनल लिमिट लेके आती है तो वहाँ पे लोगों के लिए एक इंसेंटिव होगा इंश्योरेंस के दायरे में आने का, और कंपनियों के लिए भी मौका होगा अपने ओवरऑल कारोबार को बढ़ाने का। अनुराग, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है बजट में, ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी अनुराग ने दी है कि इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए इसको टैक्स नेट में लाया जा सकता है, और सेक्शन 80CCC और 80D के तहत थोड़ा सा टैक्स इंसेंटिव इनको दिया जा सकता है, अतिरिक्त टैक्स राहत इस पर संभव है। हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे भी फ्लेवर में हैं और 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद उभरने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में या फिर जनरल इंश्योरेंस में। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू आप देखिए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी साइड हमने GIC RE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में भी बढ़िया तेजी देखी है। अविनाश जी, आपको लगता है कि सही मौका है इंश्योरेंस स्टॉक्स लेने का? हालांकि निचले स्तर से थोड़ी तेजी आ गई है, लेकिन लंबे समय तक ये दायरे में रहे हैं। बिल्कुल देखिए अभिषेक जी, ये अगर इंसेंटिव आने वाले बजट में अनाउंस होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बड़ा बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए जो फ्रंटलाइन इंश्योरेंस कंपनीज है वो गिने चुने हैं, और इसमें से हमको लग रहा है कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, ये सारे विकल्प अगर कोई 1.5-2 साल के नजरिए से लेता है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। आपने सही कहा कि पिछले 2 साल ये कंपनीज के लिए बहुत खराब था, क्योंकि कोविड के कारण काफी प्रोविजनिंग इनकी बैलेंस शीट्स में इनको करनी पड़ी। अभी नॉर्मल सी आई है, अभी जैन टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बम्पर क्वार्टर माना जाता है, तो नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी करेक्शन या इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड है, और अगले 4-5 साल के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी सिग्निफिकेंटली होगा। स्टॉक्स में मौके आपके लिए बन सकते हैं। चलिए।